हेलो जी, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज मैं बना रही हूँ अम्ब्रेला कुर्ती। तो उसके लिए मैंने पहले अपर पार्ट को लेना है। इसके लिए यहाँ से मैंने तीरा रखा 6 इंच, यहाँ से इसकी सीध लेने के लिए भी 6 इंच रखा, और इसका आर्म होल लिया मैंने 7.5 इस तरह से। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। इसकी जो ऊपर वाले की लेंथ होगी वो 16 इंच से हम कटिंग करेंगे, और आधा इंच यहाँ से जाएगा, आधा इंच तो 15 इंच तैयार आएगा। तो यहाँ से हमने इसकी रखनी है कमर। तो इसकी कमर है 33, तो ये आया 8.25। यहाँ से हमने इसको 8.25 लिया, लेकिन हमने इसमें बेल्ट बिठानी है, तो इसको हमने 9.25 लेना है। आधा इंच की हमने इसमें डाट डालनी है इस तरह से, और डाट डालनी है हमने इसकी 3.5 इंच पर, यहाँ पर 3.5, और यहाँ से हमने जो ऊपर से डाट डालनी होती है वो अपेक्स पॉइंट तक डालनी है। तो ये आएगा 12 इंच पर, तो ये आया हमारा 3.5, और यहाँ से ये डाला हमने इस तरह से। इसको आपस में मिला देना है यहाँ, और इसमें इस तरह से एक डाट डाल देनी है हमने। ये हमने आगे भी डालनी है और बैक साइड में भी डालनी है ये वाली डाट, और यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाना है ये, और यहाँ से जो हमने लगाना है ब्रेस्ट का निशान, 38 इसकी ब्रेस्ट है, तो हमने 40 रखनी है या इसकी 40 पर ब्रेस्ट इस तरह से। यहाँ से ये जो आर्म होल का निशान है, यहाँ से 1.5 इंच आगे करके यहाँ पर हमने इसका बैक का निशान लगाना है इस तरह से, और इसमें दे देनी अब हमने गुलाई। ये आगे इसकी, ये बैक की गुलाई, ये फ्रंट की गुलाई, और यहाँ से जितना हमने गला रखना है। उसके बाद ये दीदी हमने इसमें 1/2 इंच के डाउन, ये 2.5 इंच का गला रखा है। अब हमने यहाँ से जो अपेक्स पॉइंट होता है, जैसे 12 पे हमारा अपेक्स पॉइंट है, तो 1/2 इंच तो ऊपर से डाउन होता है, तो 11.5 पे आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो ब्रेस्ट है बिल्कुल पूरा हमने 38 रखना है इसको इस तरह से। ये आई हमारी मार्किंग, ये सिलाई की एक टाई की। अब यहाँ से जो अपेक्स पॉइंट से हमने जो आर्म होल वाली जो डाट डलती है, इसकी दूरी हमने 2.5 इंच रखनी है, और अगर इस साइड वाली डाट भी डालनी है तो इसकी दूरी जो हम 2 इंच की रखेंगे। मान लो इस तरह से ये आती है, इन दोनों के बीच का पॉइंट जो होता है, ऐसे तो जैसे जहाँ कमर होती है वहाँ से आती है, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से जैसे यहाँ आएगी, मतलब कि ये 2 इंच की दूरी होनी चाहिए यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ पर आता है हमारी कमर वाली डाट की इस तरह से, और यहाँ से आएगा इस तरह से। इस तरह से डलती है हमारी डाटें, ये 2 इंच की यहाँ से 2, और ये वाला पॉइंट जो 2.5 इंच का इसमें गैप होता है। अब हम इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे, जैसे कि यहाँ तक तो हम सीधा जाएंगे, ये यहाँ पर हम इसको इतना सा ऊपर करेंगे यहाँ से, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं करती हूँ इसकी कटिंग यहाँ से, इसको हमने इस तरह सीधा ही कटिंग कर लेना पहले, तो ये कर दिया हमने इसकी सीधी कटिंग। देखो मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया, जिस तरह से मैं काट रही, मैंने पूरा इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। अब यहाँ से इस तरह से करनी इसकी कटिंग, ये थोड़ा इस तरह से गोलाई में आ जाए, और ये है हमारे डाट के पॉइंटर, तो इनकी भी हमने कटिंग कर देनी है इस तरह से। इनको हमने थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है, ताकि जब हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे तो ऐसे ही हमारे निशान बन जाए।
इस तरह से, इसको मैंने इस तरह से पलटना, ऐसे रखना। ये बन गए इसके निशान इस तरह से। अब हमने ये फ्रंट हिस्सा है, ये बैक है, तो जितना हमारा बैक नेक है, तो इसमें बैक नेक 6 इंच का है, तो हमने इसकी कटिंग कर देनी है 6 इंच की। एक कॉटराइज का कपड़ा है, इस तरह से। अब बैक नेक की जो कटिंग करनी है वो इस तरह से करनी है, जैसे कि यहाँ से हम ढाई लेते हैं, लेकिन यहाँ से 2.25 लेना है इस तरह से, और तिरछे में 6 रखना है, तो 6.5, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर जाता है। और यहाँ से हमने इसको जितना हम काटते हैं 2.5 इंच का, वैसे कर देना है इस तरह से। ये अगर आप हाथ से देना चाहते हैं गुड़ाई, तो हाथ से दे दो, वरना हम इस तरह से इससे इसकी गुलाई दे देंगे। अब हम इसके कर देंगे कटिंग। अब मैंने जो फ्रंट आर्म होल है, इसकी छंटाई कर देनी है इस तरह से, बिल्कुल जैसे हमने निशान लगाए हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें टुक लगा देना है। इसका गला मैंने फैंसी बनाना है, तो इसका मैं गला काटूंगी नहीं, जब बुकरम से बनाऊंगी तो उसकी वीडियो बना दूंगी। अब मैंने यहाँ से बाजू निकालने, फिर निकालनी इसकी अम्ब्रेला कुर्ती। इस कपड़े में से मैंने बाजू निकाली है। अब कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर दिया। अब डबल फोल्ड करने के बाद हमने कपड़े को इस तरह से एक कोने से पकड़ना, डबल फोल्ड करने के बाद, और इसका इस तरह से एक ट्राइंगल बना देना है इस तरह से। ये बना इसका एक ट्राइंगल। ट्राइंगल में ये 4 लेयर कपड़ा है, ये 2 ए हैं और 2 ए, उनको इस तरह से हमने एक ट्राइंगल बना देना इसका इस तरह से। और इसको कर लेना बिल्कुल अच्छी तरह से सेट। ये मैंने कपड़े की सेटिंग कर दी है। अब यहाँ से हमने कमर रखने, हमारी कमर 33 थी, तो हमने 35 रखना है इसको। यहाँ से हमने इसको 9 इंच रख दिया मैंने, लेकिन इसको हमने थोड़ा इस तरह से गुलाई में रखना है इस तरह से। इस तरह से रखा हमने इसको थोड़ा सा गुलाई में। अब यहाँ से पहले इसको मापना हमने 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, बस इसी तरह से जैसे मैंने बनाया उसी तरह से आता है गोल। अब हमने यहाँ से 15 इंच का हमने अपर पार्ट रखा है। अब ये जो फ्रॉक है इसको रखना हमने, हमारी लंबाई है 42 की, लेकिन अब मैंने इसको 30 रख देना है, 45 कर देना है, तो यहाँ से इसको 30 करना है। यहाँ इसका ऐसे भी 30 ही आ रहा है, नहीं तो इसमें जैसे अम्ब्रेला सर्कुलर प्लाजो में हम जॉइंट डालते हैं वैसे इसमें आना था। और यहाँ से भी हमने इसको करना 30 इंच का, और यहाँ से भी इसको करना 30 इंच का इस तरह से। अब इसको आपस में इस तरह से मिला लेना हमने। सर्कुलर जो प्लाजो होता है उसकी कटिंग भी इसी तरह से होती है। अब यहाँ पर हमारा ये किस तरह से है, जैसे ये इस तरह से आएगा, तो इसकी हमने इस तरह छंटाई कर लेनी है थोड़ी थोड़ी इस तरह से। अब मैं इसकी करती हूँ कटिंग। ये वाला हिस्सा जो है, मैंने जो बाजू हैं उनको भी अम्ब्रेला काटा हुआ है। अब अगर यहाँ से खड़ जाते हैं हमारे बाजू, तो यहाँ से मैंने बनाने पर मैं देखती हूँ अभी। अब जो जो मैंने मार्क लगाए हैं उस पर मैंने कटिंग कर देनी है इसी तरह से, जैसे मैंने सर्कुलर प्लाजो की कटिंग की, जो ऊपर से कपड़ा बचा इससे हमने बाजू की, जो यहाँ से बाजू का जितना हमने एरिया खुला रखना है वो रखा, और इस तरह से इसकी भी हमने कटिंग कर देनी है गुलाई में इस तरह से। पहले नरम और बाजू की कटिंग की ना, और इसके आगे इसका हमने
यहाँ पर ये जॉइंट लगा देने, यहाँ पर हम लगाएंगे लेस। इस तरह से इसकी कटिंग पूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो माई पेज।